हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 2 राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। आज हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। आप ये सभी सॉल्व करने से पहले, पढ़ने से पहले, समझने से पहले इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, ठीक है, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और ये सब करने के बाद आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं 7th क्लास के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, वैल्यू एजुकेशन एंड फिजिक्स। और भी अगर आपको कोई सब्जेक्ट चाहिए या मैथ्स का भी कोई भी टॉपिक चाहिए तो हम पढ़ा देंगे आपको, तो आप बताइए हमें जरूर कमेंट करके, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यूज, जिसे आप टिक द करेक्ट ऑप्शंस भी बोलते हैं। फर्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस मोहम्मद वाज फोर्स्ड टू लीव। हमने इस चैप्टर में प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने इस्लाम को स्प्रेड किया था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्लेस ऐसा है जिसे मोहम्मद को, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद को छोड़ना पड़ा था, उन्हें फोर्स किया गया था कि वो इस जगह को छोड़ दें। कौन सा था? ऑप्शन है आपके मदीना, डमास्कस, मक्का या बगदाद। तो ये आंसर है आपका मक्का, जो ब्लू में है वो आपका करेक्ट आंसर है मक्का। मक्का को छोड़ दिया, उन्हें फोर्स किया गया था कि मक्का को छोड़ दीजिए, मक्का एरिया को, और मदीना में वो फिर चले जाते हैं बाद में। तो करेक्ट आंसर है मक्का। नेक्स्ट है, हु अडॉप्टेड द अरब एज लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अरब को लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरह किसने अडॉप्ट किया था? लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अरब जो लैंग्वेज है उसे यूज किया जाएगा कानूनी तौर पर, तो वो थे अब्द अल मलिक, ये आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम। फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम पढ़े थे, ठीक है, जो ऑब्लिगेशन थी, फाइव जो एक मुस्लिम को फॉलो करनी ही करनी चाहिए, तो इनमें से कौन सी वो ऐसी है जो इंक्लूडेड नहीं है फाइव पिलर्स में, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सलत, हज, हिजरत, शहादा। तो हमने फाइव पिलर्स में और कौन सी पढ़ी थी? हिजरत ऐसी है जो हमने नहीं पढ़ी थी, जो इसमें इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट है, द अब्बासिद एस्टैब्लिश देयर कैपिटल एट। अब्बासिद ने अपनी कैपिटल कहाँ एस्टैब्लिश करी थी? मक्का, बगदाद, खुरसन, दमस्कस। तो बगदाद में उन्होंने अपनी कैपिटल एस्टैब्लिश करी थी अब्बासिद ने। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द रूल ऑफ द ऑटोमन कैलिफ्स एंड। ऑटोमन कैलिफ्स का जो शासन था, जो रूल था, वो कब खत्म हुआ था आपका? सीई 1453 में, सीई 1918 में, सीई 750 में या फिर सीई 705 में। तो वो आपका फिनिश हुआ था सीई 1918 में। तो ये है आपके एमसीक्यूज, यानी कि फिल इन द ब्लैंक, सॉरी एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, प्रॉफिट मोहम्मद वाज बोर्न एट डैश इन अबाउट सीई डैश। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था, कब हुआ था? सीई 573 में हुआ था। मुस्लिम्स वर्शिप ओनली वन गॉड, मुस्लिम्स जो है सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करते हैं, वो कौन है? अल्लाह। मोहम्मद प्रीस्ट अगेंस्ट डैश वर्शिप, मोहम्मद ने जो शिक्षा दी थी, जो उपदेश दिए थे, वो किसके अगेंस्ट दिए थे? आइडल वर्शिप के अगेंस्ट दिए थे, यानी कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्होंने ये उपदेश दिया था। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोहम्मद सक्सेसर वर नॉन एज। प्रॉफिट मोहम्मद के जो सक्सेसर्स थे, जो उनकी आने वाली पीढ़ी थी प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, उन्हें क्या बोला गया था? उन्हें बोला गया था कैलिफ्स या फिर खलीफाज भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ अब्बासिद डायनेस्टी वॉज। अब्बासिद डायनेस्टी का सबसे बड़ा किंग, सबसे महान राजा कौन सा था? हारून अल राशिद। कौन? हारून अल राशिद, ये उसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमारे फ्रेंड ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो जाए आते हैं। अब आते हैं हमारी मैचिंग्स। कॉलम ए दिया हुआ है आपको और कॉलम बी दिया हुआ है। कॉलम ए में बोल रहा है मक्का, मक्का का क्या आंसर है? बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफिट। मक्का क्या है आपका? प्रॉफिट का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है। नेक्स्ट है कुरान। कुरान क्या है? कुरान आपका होली बुक ऑफ इस्लाम, इस्लाम की होली बुक है, यानी कि पवित्र किताब है, उनका ग्रंथ है क्या? कुरान। जकात, जकात क्या होता है आपका? अल्म्स, यानी कि दान देना चाहिए, ये फाइव पिलर्स में से है। अबू बकर कौन थे? अबू बकर थे आपके खलीफा, यानी कि कैलिफ, सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट इज सीई 622। सीई 622 क्या है? फर्स्ट ईयर ऑफ मुस्लिम कैलेंडर, फर्स्ट ईयर है आपके मुस्लिम कैलेंडर का। ओके, होप आपको मैचिंग्स भी क्लियर होंगी। चैप्टर अच्छे से पढ़िए तो आपको ये सब क्लियर हो जाएंगे, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हमने। नेक्स्ट आते हैं अब आपके ट्रू एंड फॉल्स।
मोहम्मद वाज बॉर्न एट मदीना, मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मदीना में हुआ था। इट इज फॉल्स, उनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। द अब्बासिद्स रूल्ड फॉर 500 ईयर्स, अब्बासिद्स ने जो शासन किया था 500 साल तक किया था। यस ट्रू। अ मुस्लिम शुड नॉट वर्शिप एन आइडल, एक मुस्लिम को एक किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। इट इज ट्रू, उन्होंने यही बोला था। किसने? प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी प्रीचिंग्स में यही बताया था कि मुस्लिम को मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अबू बकर वॉज द लास्ट खलीफा, अबू बकर जो थे वो लास्ट खलीफा थे। फॉल्स, वो लास्ट नहीं थे, उनके बाद और भी आए थे। नेक्स्ट, द ऑटोमन टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इन सी 1480। ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया था, यानी कि अपने अंडर कर लिया था सी 1480 में। इट इज फॉल्स। ठीक है, अब ये हमारे ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या आता है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट, डिस्कस द अर्ली लाइफ ऑफ मोहम्मद। मोहम्मद की अर्ली लाइफ के बारे में आपको बताना है कि उनकी स्टार्टिंग की लाइफ कैसी थी। तो हम पॉइंट्स में करेंगे, पॉइंट्स में लिखने से बहुत आसान हो जाता है आपको लर्न करना भी। ठीक है, आप आसानी से उन मेन मेन पॉइंट्स को, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप उनके मेन मेन पॉइंट्स एक रफ कॉपी में या फिर एक सही कॉपी में लिख लीजिए और उन्हें लर्न कीजिए। तो आप पॉइंट्स में भी लिखेंगे तो टीचर को अच्छा लगता है और कॉपी जो आपकी इंप्रेसिव लगती है। फर्स्ट है अंटिल मिड लाइफ, मिड लाइफ तक, यानी कि स्टार्टिंग की एज में मिड लाइफ तक ही लिव्ड द लाइफ ऑफ अ प्रॉस्पेरस ट्रेडर। ट्रेडर ही किसके लिए आ रहा है? मोहम्मद के लिए आ रहा है कि मोहम्मद ने एक जिंदगी जो जी थी अपनी, एक अच्छे ट्रेडर की यानी कि अच्छे व्यापारी की जिंदगी जी थी सीई 610 में। ही हैज हिज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, उन्हें आध्यात्मिक ध्यान हुआ, कुछ उनका अनुभव हुआ उन्हें अच्छा सा, एंड बिकेम अ प्रॉफिट, और एक वो प्रॉफिट बन जाते। प्रॉफिट कौन होता है? जो उपदेश देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, जैसे साधु संत होते हैं ऐसे ही प्रॉफिट बोलते हैं। ही हिमसेल्फ कॉल्ड एज मैसेंजर ऑफ द सुप्रीम बींग अल्लाह, वो अपने आप को सुप्रीम यानी कि किसी महान इंसान का मैसेंजर बोल रहे थे। वो किसके बोल रहे थे? अल्लाह को बोल रहे थे। ही प्रीच्ड अगेंस्ट आइडल वर्शिप, उन्होंने आइडल वर्शिप के अगेंस्ट शिक्षा दी कि आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, और क्या था उनके अर्ली लाइफ के बारे में? ही वॉज फोर्स टू लीव मक्का, उन्हें फोर्स किया गया था कि वो मक्का को छोड़कर चले जाएं एंड मूव टू मदीना इन सीई 622 विद हिज फॉलोवर्स, और वो सीई 622 को मदीना छोड़, सॉरी मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे अपने फॉलोवर्स के साथ। इन मदीना, मदीना में क्या हुआ? ही बिकेम वेरी पॉपुलर, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। टिल सीई 632, सीई 632 तक क्या हुआ था? ईयर ऑफ हिज डेथ, 632 में उनकी डेथ हो जाती है उस ईयर में। ही बिकेम द लीडर ऑफ ऑलमोस्ट होल ऑफ अरेबिया, वो पूरे अरेबिया के ऑलमोस्ट लीडर बन जाते हैं उस टाइम तक, अपने डेथ टाइम तक। तो ये उनकी अर्ली लाइफ के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद की टीचिंग्स के बारे में बताने, यानी कि उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए। तो उनकी टीचिंग्स क्या थी? उनकी टीचिंग्स बहुत सिंपल थी, एंड दे ब्रॉट द अरब्स अंडर अ कॉमन पॉलिटिकल रूल एंड यूनाइटेड देम, और उन्होंने क्या किया, उन टीचिंग्स की वजह से मोहम्मद ने अरब लोगों को एक कॉमन पॉलिटिकल रूल के अंडर किया, यानी कि एक कॉमन रूल्स बनवाए और उन्हें यूनाइट किया, उन्हें एकजुट कर दिया। ठीक है, मुस्लिम्स वर्शिप वन गॉड अल्लाह, मुस्लिम्स ने एक ही भगवान की पूजा करनी स्टार्ट कर दी, यानी कि अल्लाह, और अल्लाह की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। दे बिलीव अल्लाह स्टैंड्स अलोन, उनका ये विश्वास था कि अल्लाह जो है अकेले खड़े रहते हैं, हैज एन एब्सोल्यूट विल एंड कंट्रोल्स ऑल मैन्स एक्शन, और उन अल्लाह की जो है एक स्ट्रॉन्ग उनका विल होती है, उनकी स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है, और वो सभी इंसानों के एक्शंस को, उनके सभी कामों को क्या करते हैं, वो अल्लाह कंट्रोल करते हैं। ये ऐसा मोहम्मद ने टीचिंग दी थी, उन्हें उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फाइव मेन रिलीजियस ऑब्लिगेशंस ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पांच मेन रिलीजियस ऑब्लिगेशंस कौन से थे, यानी कि इसमें आपके फाइव पिलर्स आएंगे। तो अ मुस्लिम हैज फॉलोइंग फाइव रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, एक किसी भी मुस्लिम के ये पांच रिलीजियस ऑब्लिगेशंस होते हैं। फर्स्ट है शहादा, यानी कि कन्फेशन ऑफ फेथ। अ मुस्लिम्स मोस्ट एसेंशियल इज टू रिपीट, मुस्लिम का मोस्ट एसेंशियल ऑब्लिगेशन क्या होता है कि ये रिपीट करे, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद इज हिज प्रॉफिट, कि ये रिपीट करे कि भगवान की अल्लाह के अलावा और कोई भगवान नहीं है और मोहम्मद ही उनका प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्या था उनका पिलर? सलात, यानी कि प्रेयर। ही मस्ट ऑफर प्रेयर्स फाइव टाइम्स एवरी डे एंड ऑन फ्राइडे आफ्टरनून्स इन अ मॉस्क्यू, उन्हें यानी कि किसी भी मुस्लिम को एक दिन में पांच बार प्रेयर करनी चाहिए, जिसे वो नमाज बोलते हैं, और फ्राइडे आफ्टरनून मॉस्क्यू में बिताना चाहिए, यानी कि मस्जिद में बिताना चाहिए। नेक्स्ट है जकात, यानी कि अल्म्स गिवन, सॉरी ALF, ओके क्या है ALF, के नहीं है L, यहाँ पर अल्म्स गिविंग, यानी कि ही मस्ट गिव अल्म्स टू द पुअर एज एन ऑफरिंग टू अल्लाह एंड अ रिलीजियस एक्ट, किसी भी मुस्लिम को दान जरूर देना चाहिए गरीब लोगों को, ये सोचकर कि ये भगवान को यानी कि अपने अल्लाह को कुछ ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और
ये एक रिलीजियस एक्ट है, धार्मिक धर्म है एक उनका, तो उन्हें ये सोचकर दान जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट इज स्वाम, यानी कि फास्टिंग, उन्हें फास्ट जरूर रखना चाहिए। दे मस्ट कीप फास्ट फ्रॉम डॉन टू डस्क टू ड्यूरिंग रमजान, उन्हें सुबह से लेकर शाम तक रमजान के महीने में फास्ट जरूर रखना चाहिए। और लास्ट पिलर है उनका हज, यानी कि पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का उन्हें जरूर जाना चाहिए, उनका तीर्थ स्थान। जैसे हमारे होते हैं ना तीर्थ स्थान हिंदू के, ऐसे ही इनके भी होते हैं, तो वो लोग हज बोलते हैं उन्हें। वंस इन हिज लाइफ टाइम, किसी भी मुस्लिम को अपनी लाइफ में, एवरी मुस्लिम, जो भी मुस्लिम है, हर मुस्लिम को जो फाइनेंशियली और फिजिकली ठीक हो, मस्ट ट्रेवल टू मक्का, मक्का जरूर जाना चाहिए। तो ये फाइव मेन रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, यानी फाइव पिलर्स हैं इस्लाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द स्प्रेड ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन आफ्टर द पासिंग अवे ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद के गुजर जाने के बाद, यानी कि उनके डेथ हो जाने के बाद इस्लामिक सिविलाइजेशन कैसे स्प्रेड होता है, वो आपको डिस्कस करना है। तो मोहम्मद सक्सेसर वर नॉन एज कैलिफ्स और खलीफाज एंड बोथ वर स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर्स, मोहम्मद के जो सक्सेसर्स आए, यानी कि मोहम्मद के पास से अवे हो जाने के बाद, उनके गुजर जाने के बाद जो उनके सक्सेसर्स आए, उन्हें कैलिफ्स या खलीफाज बोला जाता है, और दोनों ही स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर्स थे। द कैलिफ्स कौन कौन से आए उनके पास, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये चार कैलिफ्स आए थे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और छोटे ही टाइम में। खलीफाज और उनके जो जनरल्स थे, उनकी जो टीम थी, उन्होंने ईरान, सायरिया, इजिप्ट, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन, इस पर कंक्वेर कर लिया, यानी कि उन्हें अपने अंडर कर लिया था। तो इस तरीके से इस्लामिक सिविलाइजेशन पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, डिस्क्राइब द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ उमैयद्स एंड अब्बासिद्स, उमैयद्स एंड अब्बासिद्स का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है कि उनका इस्लाम में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, उनका क्या सहयोग रहता है। उमैयद्स अपील फॉर यूनाइटी एंड सप्रेस रिबेलियन इन द नेम ऑफ इस्लाम, उमैयद्स ने यह अपील करी कि यूनिटी होनी चाहिए, सभी में एकता होनी चाहिए, और सप्रेस रिबेलियन इन द नेम ऑफ इस्लाम, और इस्लाम के नाम पर जो भी युद्ध होते थे, रिबेलियंस होते थे, उन्हें सप्रेस कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। दे ऑल्सो रिटेन्ड देयर अरब सोशल आइडेंटिटी, उन्हें अरब सोशल आइडेंटिटी भी मिल गई, ठीक है। दे अडॉप्टेड अरेबिक एज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उमैयद्स ने क्या किया था, अरेबिक लैंग्वेज जो थी उसे लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर क्या किया था, अडॉप्ट किया था। और अब्बासिद्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, अब्बासिद रूलर्स स्ट्रेंथेंड द रिलीजियस स्टेटस एंड फंक्शंस ऑफ द कैलिफेट एंड पैट्रोनाइज्ड इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस एंड स्कॉलर्स, अब्बासिद रूलर ने क्या किया, स्ट्रेंथेंड किया, यानी कि स्ट्रॉन्ग किया, किसे, उनका रिलीजियस स्टेटस उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, कैलिफेट्स का जो फंक्शन थे उन्हें भी स्ट्रॉन्ग किया, और इस्लामिक इंस्टीट्यूशन और स्कॉलर्स को क्या किया, पैट्रोनाइज किया, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर गाइस फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जरूर हमें कमेंट करके बताइए आपको ये, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, आपको कैसा लगा, और भी दूसरी वीडियोस देखिए हमारी सारी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू।